हिमाचल में चलाई जा रही 108 व 102 एम्बुलेंस को लेकर सरकार की ओर से एक और लापरवाही सामने आई है। शनिवार को सुबह से ही एम्बुलेंस सेवा ठप है और आज भी बंद है, जिससे मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में जीवीके कंपनी के साथ करार समाप्त होने के बाद सरकार ने मेड्सवान कंपनी को हिमाचल में एम्बुलेंस सेवा को सुचारू रखने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन अभी तक प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा शुरू नहीं हुई है। एक तरफ कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू लगा है और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों को अस्पताल में पहुंचाने के लिए भारी पैसे खर्च कर निजी गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये आज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की जो है 108 102 एम्बुलेंस बंद हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार द्वारा टेंडर किया गया है, नई कंपनी को हैंडओवर टेक ओवर हो रहा है, मगर यहाँ पे परेशानी ये आई है कि जो लोग कर्मचारी हमारे काम करते थे उन लोगों की नौकरी पे जो खतरा मंडराया हुआ है और उन लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। ये इस वक्त जो है ये स्थिति बनी हुई है। हमारा रुख तो पहले से ही साफ है कि हम काम के लिए लड़ते हैं और दूसरे हम अपने मानदेय के लिए लड़ते हैं। अगर हमें काम नहीं मिलेगा, मानदेय सही से नहीं मिलेगा, तो आंदोलन होता रहेगा। और ये सरकार का भी साफ हम सरकार को भी बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि जिससे कि कर्मचारियों को रोष प्रकट करने के लिए आपके सचिवालय में आना पड़े, और ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कि जो कंपनी कह रही है, नई कंपनी कह रही है कि हमें सरकार ने कुछ नहीं कहा है, हम जिस मर्जी को भर्ती करें, जिस मर्जी को रखें, तो ये उस कंपनी की जो है नालायकी है जो यहाँ हिमाचल में आकर के जो है हमारे कर्मचारियों को जो बेरोजगार कर रही है। और हमारे जो ट्रेंड आदमी है जिन्होंने राष्ट्रपति तक के पुरस्कार प्राप्त किए, ऐसे लोगों को जो है दरकिनार कर रही है। ये हमारे कर्मचारी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूनियन भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि यूनियन ने हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है और सच्चाई के लिए लड़ी है, चाहे वो उच्च न्यायालय में हो, चाहे वो निचली अदालतों में हो, चाहे वो सरकार के साथ हो। हमने अपना जो विरोध था वो हर जगह प्रकट किया है और हम जीते भी है, हर जगह से हम जीत कर आए हैं। मगर आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो ये स्थिति है कि सरकार जो है आंखों पे पट्टी बांध करके बैठी है। उसको लग रहा है कि ये कर्मचारी जो है सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। हम करके भी दिखाएंगे और हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप लोग जो है हमारे अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। हम लोगों ने कोरोना में काम किया हुआ है, हमारे किसी भी आदमी ने जो है वो ये नहीं सोचा कि भाई हम पॉजिटिव होंगे और कंपनियाँ हैं उनको दोषी ठहराते हैं। और हमने जो है इसके लिए जो है उच्च न्यायालय में भी अपील दायर की है। अब हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर विश्वास है कि सरकार जो है बातें तो बहुत करती है मगर करती कुछ नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो बातें की है वो करती है कि नहीं करती है, उसी का जो है सोमवार को जो है सरकार के जो है जवाब लेने के लिए जो है हमारे कर्मचारी आ रहे हैं कि आपने कहा था कि हम सभी कर्मचारियों को रखेंगे, तो हमारे कर्मचारियों को जो है बाहर क्यों किया जा रहा है। 250-300 कर्मचारी जो है इस वक्त बाहर है जिनको ऑफर लेटर नहीं दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, नई कंपनी के द्वारा, तो वो यही समझा जा रहा है कि वो लोग तो बाहर है क्या। देखिए हड़ताल का तो अब सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है सरकार जो है ना, सरकार अपनी जो है जो भी उसकी मनसा थी वो सामने नजर आ गई है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। आंखों के हर प्रकार की बीमारी का इलाज अब एक ही अस्पताल में। जी हाँ, सफेद मोती का ऑपरेशन, आंखों के टेढ़ेपन का इलाज, काला मोती का ऑपरेशन, लेजर द्वारा चश्मे उतारने का ऑपरेशन, आंखों के पर्दे का ऑपरेशन। यदि आपको दिखाई देने या पढ़ने में परेशानी हो रही है तो संपर्क करें डॉक्टर केडी आंखों के अस्पताल, पठानकोट, गुरदासपुर, जम्मू, कांगड़ा, किसी भी ब्रांच में।